ऐसे नए लोगों के लिए जिनको अब अच्छी सेविंग है जिनके हाथ और शेयर बाजार में जाना ही चाहिए, उनके लिए आप एकदम एक बेबी स्टेप्स के तौर पर बताना चाहेंगे तो वो क्या सलाह होगी? मैं तो बोलता हूं कि देखिए, मैं 1985 में शेयर बाजार में आया जब सेंसेक्स था 150। तो इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ पाथ एंड द इक्विटी मार्केट्स आर देयरफॉर ऑन अ ग्रोथ पाथ, राइट। और हर साल शेयर बाजार में जो इंडिया की जीडीपी है और उसका नॉमिनल इन्फ्लेशन है, उतना तो राइज शेयर बाजार में जरूर आना चाहिए। इनकम टैक्स में शेयर कंसेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स कम लगता है देन डेट। तो मेरे को लगता है एंड बट स्टॉक मार्केट इज अ वेरी संजय, हर चीज लाइफ में अपने एटीट्यूड के बारे में। सब चीज समझते हैं कि ये सट्टा बाजार है, ये कोई हॉर्स रेसिंग जैसा है। इसके बजाय ये एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई डेट में अपने को पोस्ट टैक्स 4 से 6% मिलेगा, तो मेरे को लगता है इक्विटी में अपने को पोस्ट डेट 12 से 15% का मिलेगा। और जो पीरियड ऑफ टाइम में 5% में मेरा पैसा डबल होगा 15 साल में, आप समझे ना, 12% में मेरा पैसा डबल होगा 6 साल में। तो अपने को ये एटीट्यूड से शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, सॉरी मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेने चाहिए। एंड बिकॉज इंडिया एंड द इंडियन मार्केट्स ऑन अ कॉन्स्टेंट अप ट्रेंड, विदाउट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, वी शुड बट पुट मनी इन टू इक्विटी एवरी मंथ। यही मेरी सबको सलाह है। या कोई बिल्कुल आदमी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है और 24 घंटे ये काम करता है तो बात अलग है। ये एक बड़ी गलत और सट्टा करने के लिए बिल्कुल ना 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 ना। मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूं, 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया। मुझे मालूम है 9,90,000 झूठ बोलते। तो 10 लाख में से कमाते 900, फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है आप बोले, और हमको मना करते हो। मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते। नहीं, राकेश जी आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और उसको थोड़ा सा और अपने को इलेबरेट करना चाहिए। वो ये है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स को लोग ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते होंगे, लेकिन इनके पास तो समझ है, ज्ञान है, जानकारी है, रिसर्च है और फ्यूचर देख लेते हैं, मुंबई में रहते हैं तो ये स्पेकुलेट भी करते होंगे। आप ये जो स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट की डिबेट हमेशा चलती है, लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको समझाइए थोड़ा और डिटेल में हमारे दर्शकों को कि स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है और आप जैसे लोग स्पेकुलेटर नहीं है, एक्टिव ट्रेडिंग अलग बात है। हम तो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, क्यों नहीं स्पेकुलेटर? मैं तो स्पेकुलेटर हूं, मैं करता हूँ स्पेकुलेशन, क्या है उसमें, क्या गलत है? लेकिन वो क्या है, वो 10 भगवान ने, किसको वो 10 लाख करना चाहिए? वो भगवान ने 10 लाख जो लोग करते हैं, भगवान हूं या कुछ हूं, पर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। और सच्चाई ये है कि 10 लाख में से 9,90,000 नुकसान ही करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग गोज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर, आप समझे ना। आप पूछ लीजिए अपने सब जो सुन रहे हैं कि कितने जनों ने ट्रेडिंग में पैसा कमाया। सही है। तो सच्चाई ये है कि द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, वेरी ट्रू। और आप समझते हो कि नहीं, मैं तो होशियार हूं, मैं ट्रेडिंग में कमाया कमाऊंगा, तो करिए जरूर, मैं कम मना कर। खाली मैं बोलना चाहता हूं दैट चांसेस आर अगेंस्ट यू। वेरी ट्रू। अब एक बात और बताएं, आपने बताया कि क्यों बाजार और ग्रोथ आपको हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी एक आम धारणा बनी हुई है और वो धारणा ये है कि शेयर बाजार में जो इस वक्त की तेजी है वो लीड कर रहे हैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स। तो अब बाजार में इतना स्टॉक ही नहीं है, इतने शेयर ही नहीं है जिसमें हम पैसा लगा सकें, ये बहुत ही पोलराइज्ड सा मार्केट हो गया है एंड प्रॉफिट्स आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यूअर हैंड्स। ऐसे में लोगों को जो लगता था कि पहले कुछ कंपनियां हैं, 100,000 कंपनियां, अब लगता है शायद दर्जन भर होंगी। इसको थोड़ा इलेबोरेट नहीं करिएगा। तो आप कौन बोलते हैं जो कंपनियों में आपको लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं है और वैल्यूएशन रीजनेबल है? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लियो, मैं तो जो सबसे बैटर्ड कंपनीज है, जो अनफैंसीड कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये वाला ये आर्ट तो सिखाइए हमें। बुफे है, ये तो बुफे है, इसमें 3,000 6,000 डिशेज है, सब मत खाओ, जो है जो आपको पसंद है खाओ, ज्यादा मत खा लेना, बेहजमी हो जाएगी। और सबसे अच्छी चीज जो फुल टाइम निवेशक नहीं है उसको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आने का।
तो नए लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए, जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है वो डायरेक्ट इक्विटी में आए। तो नेक्स्ट सवाल ये है इन लोगों के लिए कि कैसे स्पॉट करें अपॉर्चुनिटीज को इस वक्त। तो आप रिसर्च करो कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप समझे ना। और संजय, जस्ट लाइक मेडिसिन और इंजीनियरिंग, इवन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट कैन नॉट बी डन पार्ट टाइम। तो बोले मेरी नौकरी है या मेरा बिजनेस है और मैं साइड में खुद शेयर ढूंढूंगा और इन्वेस्ट करूंगा और फिर मालूम है मुझे कब बेचना है, और मेरे दोस्त के कंपनी फादर इन लॉ की कंपनी है और वो मैं ले लूं, वो सब भैया चलता नहीं है। इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशनल वर्क और फिर इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। राकेश जुनवाला इज स्टिल लर्निंग। आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ लर्निंग इन द स्टॉक मार्केट इन 1975। 40 साल 45 साल बीत गए, मैंने बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी भी सीख रहा हूं। तो ये जो गिरीश जी पूछ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है सर इसका, क्योंकि अब हम लोग वर्क फ्रॉम होम मोड में हैं। जाहिर है कि बहुत लोगों की इनकम कम हुई होगी तो लगता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो आपकी सलाह बड़ी क्लियर है कि ये आइडियली फुल टाइम जॉब है, लेकिन जो लोग कुछ करते हुए करना चाहें फिर उनको क्या ध्यान रखने का। वो तो यार संजय बहुत बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बात तो बोल रहा है। अब कोई रिटायर्ड आदमी है, बट मैं खाली इतना बताऊंगा कि 40 साल हो गए मुझे लेकिन फिर भी सीख रहा हूं मैं। तो ये कोई सिखा नहीं सकता, ये सीखना पड़ता है। तो